बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीज साथियों, हमने हफ्ते की सुबह के वक्त एक और कैंप ख्वातीन और बच्चों के लिए मुनक्कद किया, और ये वो ख्वातीन और बच्चे थे जो कि पहले कैंप में जिनका नाम नहीं आया था फहरिस्त में, तो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि एक ही वक्त में हम सब लोगों को, पूरे गांव को हम एंटरटेन कर लें, तो इसलिए हमने जो लिस्टें बनी थी उसमें चार फहरिस्तें बनी थी अलग अलग। तो पहले मर्दों और ख्वातीन का कैंप अलग रात को हो गया था जुमे को, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हमने इसी तरह दो कैंप अलग किए, उसमें ख्वातीन और बच्चों का, छोटे बच्चों का कैंप अलहदा हुआ, और मर्द हजरात और बड़े बच्चे जो थे उनका कैंप अलहदा हुआ। और इसमें जो भी हमारी हमारे मेज़बान ने फहरिस्त बनाई हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी है कि उन्होंने जो वाकई बेहद मुस्तहिक और गरीब तरीन अफराद थे उनको बुलाया, और ये वो अफराद थे जिनको इससे पहले कोई इमदाद नहीं मिली हुई थी किसी भी कॉर्नर से, तो इसलिए फिर हमने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके तो इनको हमने सामान तकसीम किया, तो ये भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद थी ख्वातीन और बच्चों की, तो इनको भी इसी तरह से अलहदगी में इनकी इनकी भी कतार बना के, तो लिस्ट के मुताबिक बारी बारी तमाम जो ख्वातीन थी उनको अपने नाम के मुताबिक उनको बुलाया गया, तो फिर उनको मौका दिया गया कि वो जो है अपने लिए कपड़े अपने साइज़ के पसंद कर लें, इसी तरह अपने बच्चों के लिए पसंद कर लें, और स्वेटर्स या कोट्स वगैरह, इसी तरह लेडीज़ जूते भी थे वो भी हर खातून ने अपने मुताबिक जो था साइज़ के हिसाब से अपनी चीज़ें लेते गए और बारी बारी आते गए लेते गए, तो इसमें कुछ वक्त तो लगा, लेकिन ये है कि कहते हैं ना हक बहकदार रसीद, कि वो चीज़ें अगर वैसे बांटी जाती तो शायद वो मतलब मुनासिब साइज़ में या ऐसी चीज़ नहीं मिल सकती थी जो कि उन्हें सूट करती हो, तो इसलिए फिर ये अगरचे इसमें वक्त लगा लेकिन ये है कि तमाम ख्वातीन ने उनके बच्चों ने ये सारी चीज़ें ले ली, जूते भी ले लिए, कपड़े भी ले लिए, स्वेटर्स भी ले लिए, प्लस हमने जो राशन का सामान था, दूसरी दीगर चीज़ें थी, मॉस्किटो नेट्स थे या हम मॉस्पेल वगैरह लेके गए थे, इसके अलावा साबुन भी हमने तकसीम किए, और सर्फ था, और काफ़ी चीज़ें जो ख्वातीन के इस्तेमाल की होती हैं वो, क्योंकि ये लोग वो हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं इनका रहा, सब कुछ ही तो बह चुका था, ना घर रहा, ना कोई फर्नीचर रहा, ना कोई बर्तन रहे, कुछ भी नहीं रहा, तो इसलिए फिर ये सारी चीज़ें जो हैं जो उनकी ज़रूरियात की पॉसिबल चीज़ें थी वो सारी इकट्ठी की गई, और वो फिर हमने उनको बारी बारी अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम किया, और इस तरह ये बड़ी खुश असलूबी से ये कैंप जो है ये इख्तिताम को पहुँचा।